Constitution. And constitutionalism. Samvidhan va samvidhanvad. Va संविधानवाद. चलो जी, संविधान के बारे में तो हम लोग काफी चर्चा कर लिए, अब जरा देखते हैं संविधानवाद के बारे में, है ना. संविधानवाद क्या है? देखिए, इस वाद को तो समझेंगे, लेकिन इसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक संविधान में क्या फर्क होता है, है ना. देखिए, चूंकि वर्तमान संदर्भ में आपको मालूम है हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहां, इसलिए हम जब भी वैश्विक व्यवस्था में कहीं भी या वैश्विक बिरादरी में कहीं भी हम पाते हैं कि अमुक देश में लोकतंत्र का अभाव है, कोई दूसरी व्यवस्था चल रही है, और हमसे अगर हमारी मनसा पूछी जाती है कि आखिर वहां पर कौन सी नई व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए पुरानी व्यवस्था के आधार पे, तो हम किसी दूसरे विकल्प पर विचार नहीं करते, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना लो. तो कहने का मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न व्यवस्था है. अगर हमारे एजेंडा में देखा जाए तो हम उसे टॉप पे रखना चाहते हैं हमेशा. जैसे जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व में वर्तमान में कहीं ना कहीं एक ध्रुवीय वैश्विक राजनीति का चलन जारी है, इनफैक्ट शीत युद्ध के समापन के उपरांत ही अमेरिका का वर्चस्व या दादागिरी आप कह लीजिए 1991 के बाद ही देखने को मिला, अभी भी किसी न किसी रूप में जारी है. जैसे हाल का ईरान एपिसोड देख लीजिए, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किस तरीके से इंडिया और चाइना को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ रहा है. इतना तो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा कहीं ना कहीं गिदड़ घोड़की हिंदुस्तान और चीन को भी देने का प्रयास किया जा रहा है ईरान की एक तरह से आड़ में. तो ये कोई नहीं नकार सकता कि अभी भी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जारी है. अब ऐसे में भारत जैसे देशों से कोई पूछे कि भाई वैश्विक व्यवस्था को किस स्वरूप में ढाला जाए, तो निसंदेह हम यही बोलेंगे कि वैश्विक व्यवस्था में किसी एक देश का डोमिनेंस ना हो, किसी दो देश का ना हो, या किसी एक समूह विशेष का ना हो, बल्कि लोकतांत्रिक आधार पर वैश्विक संस्थानों द्वारा, वैश्विक नियामकों द्वारा निर्णय लिए जाए. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमसे जब भी राय पूछी जाएगी तो हम किसका सहारा लेंगे या किसका एक तरह से हवाला देंगे, जाहिर सी बात है लोकतंत्र का हवाला देंगे, क्योंकि यह हमारे लिए आइडियल व्यवस्था है. एनीवे, संविधान को हम लोग अपनी सहूलियत से या अपनी सहूलियत के लिए, खास करके आगे के अध्ययन के लिए, दो भागों में बांट कर रख लेते हैं. एक लोकतांत्रिक संविधान जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा अलोकतांत्रिक संविधान. ध्यान से समझेंगे इसको. यानी नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को निकाल दें, लाइक कुछ इस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तब ये किस तरह का समीकरण बनेगा, बराबर नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. यानी एक बात तो तय हो गई कि नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता है और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा. लेकिन मूल बात अभी भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं कि आखिर, चलो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हटा दिया तो यह कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा रूप ले लिया, नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन.
एनीवे, तो आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? और मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ओवरराइड करके सीधे नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक पर क्यों आ गया? आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताने के लिए मैंने ऐसा किया, एक कदम यहां छलांग लगा गया। भारत की व्यवस्था से आप वाकिफ हैं, चीन की व्यवस्था के बारे में भी गाहे बेगाहे आपको सुनने को मिलता होगा, समाचार पत्र पत्रिकाओं या तमाम इतिहास के स्रोतों के आधार पर आप पढ़ते होंगे। आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर बोलने चालने की बखूबी, आप आजादी है आपको, आप सरकार के विरुद्ध व्यवस्था के विरुद्ध जब चाहे आंदोलन कर सकते हैं, एजिटेशंस कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और अक्सर बातचीत के दौरान आपको यह सुनने को मिल जाता होगा कि अगर चीन में होते तब पता चलता, फिर करते आंदोलन, फिर बताती आपको वहां की सरकार, और फिर माओ से तुंग वगैरह का एग्जाम्पल देना शुरू कर देते कि कैसे माओ ने छात्रों को कुचलवा दिया, उनका श्रृंगार करा दिया वगैरह वगैरह। तो इसी से एक बात तो पता चल जाती है कि सरकारें, सरकारों की जो मनमानी है अपेक्षाकृत भारत में कम है, चीन में ज्यादा है। भारत को हम लोकतांत्रिक मानते हैं, मालूम है कि हम एक लोकतंत्र हैं, और इसी बुनियाद पर हम चीन को बोल देते हैं कि वो तो अलोकतांत्रिक देश है। वहां अगर आप कुछ बोलना चाहें, अपनी बातें रखना चाहें, अपने विचारों को संप्रेषित करना चाहें, तो हो सकता है अगर आपका विचार बहुसंख्यक विचार से मेल ना खाए तो आपके विचारों को दबा दिया जाएगा। यानी एक बात तो तय हो गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बिल्कुल सीधी बात आपको बता रहा हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगले पेज पे आता हूं, आप साथ साथ सेव करते चलेंगे इसको, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं हो, डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह ना हो, तो समझना कि उस संविधान के अंदर संविधानवाद नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ, यानी विधि के शासन की संकल्पना गौण हो, आप समझ रहे हैं विधि के शासन? नहीं भी समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे समझ लेंगे, बट अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, विधि का शासन मतलब कायदे कानून के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन, बिल्कुल सीधी भाषा आपको बता रहा हूं लेमेंस टर्म में, मींस नो मैन इज अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, एज यू एवर गो हाई यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द लॉ इज ऑलवेज अबव यू। यानी विधि, यानी कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे आप कितना भी अपने को ऊपर मान ले, लेकिन हर हमेशा आप यही पाएंगे कि कानून आपके ऊपर ही है। इसे कहते हैं विधि का शासन। अब जिस संविधान में ऐसी संकल्पना आपको ना दिखे तो समझ लेना कि उस संविधान में संविधानवाद नहीं है, और अगर संविधानवाद उसमें नहीं है तो फिर वो कैसा संविधान है? अलोकतांत्रिक संविधान। अभी मैं आपको लोकतांत्रिक बनाम अलोकतांत्रिक संविधान इसलिए बता रहा हूं कि आगे चलकर जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूव करेंगे तो सीधी सी बात है, आप लोकतांत्रिक संविधान को पढ़ने की दिशा में अग्रसर होंगे, तो फिर वहां पर हम अलोकतांत्रिक संविधानों की बात करनी बंद कर देंगे, फिर अगर भारतीय संविधान के सापेक्ष विश्व के किसी दूसरे संविधान की चर्चा करेंगे भी तो तय मानिए केवल वह केवल लोकतांत्रिक संविधानों की चर्चा होगी, अलोकतांत्रिक की नहीं। समझ रहे मेरी बात? अब भारतीय संविधान का तुलनात्मक अध्ययन अगर पूछा जाए, या तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित या तुलनात्मक पहलू पर आधारित किसी दूसरे संविधान का हवाला दिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो तय मानिए अगर अमेरिका और सऊदी अरबिया दो विकल्प हो तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन फ्रेमर क्या करेंगे, यूपीएससी या पीसीएस के क्वेश्चन सेट करने वाले लोग अमेरिकी संविधान का हवाला देंगे ना, क्योंकि दोनों जगह डेमोक्रेसी है। हम किसी मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कंपेयर करेंगे भाई? तुलना भी वही की जाती है जहां थोड़े मोड़े अंतराल हो। समझ रहे मेरी बात? खैर, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को तरजीह ना दी गई हो, जिस संविधान के अंदर विधि के शासन की संकल्पना बुरे हाल में हो, या फिर आप यूं कह लो कि विधि के शासन की संकल्पना पर विचार न किया गया हो, जिस संविधान के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो, तो आप समझना कि उस संविधान में संविधानवाद नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कमिटेड जुडिशियरी हो, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो, समझे कमिटेड जुडिशियरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब अगर निष्पक्ष न्यायपालिका ना हो, निष्पक्ष ब्यूरोक्रेसी ना हो यानी प्रशासनिक तंत्र, तो समझना कि वह संविधान अलोकतांत्रिक है, उसके अंदर संविधानवाद की संकल्पना पर बल नहीं दिया गया है। अब जरा सोचिए, ब्यूरोक्रेसी का कमिटेड होना यानी ब्यूरोक्रेसी में निष्पक्षता का अभाव होना यह क्या दर्शाता है? भाई जिसकी सरकार रहेगी उसी के फेवर में प्रशासन तंत्र काम करेगा, ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जनता के इच्छानुसार सरकारों का बदलना यह मुश्किल हो जाएगा? अब मान लीजिए अभी वर्तमान में सपोज किसी पार्टी विशेष की सरकार है किसी प्रदेश में, और उस प्रदेश का जो प्रशासनिक महकमा है वहां की सरकार की गुलामी करना शुरू कर दिया। अब आप 5 साल के बाद चुनाव कराएंगे भी, तो क्या गारंटी है कि चुनाव आप निष्पक्ष करा ले जाएंगे? भाई चुनाव आयोजित करने वाली जो संस्था है या फिर आयोजित करने वाला जो तंत्र है वो तो प्रशासनिक महकमा ही है, और पता चला कि पहले से ही किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ग्रस्त हैं वो लोग, तो निसंदेह धांधली घपलेबाजी की आशंका बनी रहेगी। आप ईमानदारी से अपनी वाक व अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान हुई। कहने का मतलब एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान हुई जिसमें संविधानवाद है ही नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई संविधान संकीर्ण सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता हो, यानी ओपन सोसाइटी पर बल ना दिया गया हो, जाहिर सी बात है अगेन वो संविधान कैसा है? अलोकतांत्रिक है, उस संविधान में संविधानवाद नहीं है। अगर मान लीजिए किसी संविधान के अंदर जेंडर जस्टिस, पर बल ना दिया गया हो, जाहिर सी बात है अगर जेंडर जस्टिस पर बल नहीं देंगे तो क्या वुमन एम्पावरमेंट को एंश्योर कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर कोई संविधान मान लो वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहा हो अपने देश में, तो कम से कम इतना समझने के साथ ही आपको यह बात तो पता चल ही जाएगी कि चलो साहब इसमें संविधानवाद का कुछ ना कुछ अंश है, यानी हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो संविधान और लोकतांत्रिक नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, यहां संविधानवाद का जब भी आप निहितार्थ निकालेंगे इन्हीं बिंदुओं पर निकालेंगे, यानी अगर मैं कहूं कि चलो भाई पता करो कि इस देश के अंदर संविधानवाद है कि नहीं, बेसिकली यहां संविधानवाद को कई दफा हम ऐसे भी संप्रेषित कर देते हैं ये कहते हुए कि जिस संविधान के अंदर संवैधानिक नैतिकता हो
वही संविधान संविधानवाद का स्वरूप धारण कर पाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ नहीं है, आप बस ध्यान रखना, कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं ना कि दो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, क्या बोला मैंने, दो लोकतांत्रिक देश हैं, यानी दोनों में लोकतांत्रिक परंपरा अपनाई जाती है, दोनों के अंदर आप लोकतांत्रिक अवधारणा को महसूस करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन है ना कि किसी देश के अंदर लोकतंत्र अपने उच्चतर स्तर पे हो और किसी देश के अंदर लोकतंत्र थोड़ी कमजोर अवस्था में हो। हाँ, लेकिन इतना तो है कि दोनों के दोनों लोकतांत्रिक हैं। अगर दोनों के दोनों लोकतांत्रिक हैं तो यह भी तय है कि दोनों ही में संविधानवाद की अवधारणा संलिप्त है, यानी कंट्री एक्स में भी आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पाएंगे, कंट्री वाई में भी आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉमन बिंदु तो यही सारे हुए भाई, डेमोक्रेसी का होना। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो वो नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिस संविधान में संविधानवाद ना हो वह मूलतः अलोकतांत्रिक संविधान होगा, मैं यही बता रहा था आपको। और अलोकतांत्रिक संविधान के बारे में बोला कि उसमें डेमोक्रेसी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा, होगा भी तो नाम मात्र का, या फिर ये मान लो कि नहीं होगा, फिर वहां पर जो प्रशासनिक महकमा है वो कहीं ना कहीं बायस्ड होगा, कमिटेड होगा, है ना, कमिटेड, इसका कमिटेड का मतलब हुआ स्वतंत्र नहीं होगा, वो किसी ना किसी के दबाव विशेष में काम करेगा। तो ये सारी चीजें जहां भी होगी हम मान लेंगे कि ये संविधानवाद के विरोध है, लिहाजा हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक संविधान है। इसके विपरीत अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ संविधानवाद के लिए कौन कौन से अवयव चाहिए होंगे, व्हाट शुड बी द इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी टू ऑब्जर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिंपल, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, ओपन सोसाइटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी खुला समाज होना चाहिए। खुला समाज का मतलब समझ रहे हैं, लड़का लड़की को लेकर कोई भी भेद ना हो, जाति पात धर्म संप्रदाय को लेकर कोई भी भेद ना हो, हर कोई अपने तरीके से अपने नागरिक अधिकारों का उपभोग कर सके, अपने नैसर्गिक अधिकारों का उपभोग कर सके, नैसर्गिक तरीके से मानवीय व्यवहार कर सके, ये तमाम चीजें हैं। जहां पर तमाम तरह की बंदिशें लगी हो, पाबंदियां लगी हो, आप समझ लेना कि वहां पर ओपन सोसाइटी नहीं है, इज इट ओके। दूसरी बात, जेंडर जस्टिस हो, यानी लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना हो। अभी देख रहे हैं एरा, ये फेमिनिज्म का एरा चल रहा है, और इस दौर में भी अगर मान लीजिए कोई देश पुरुष और महिला के आधार पर आपस में भेदभाव कर रहा हो तो क्या कहेंगे उसको, क्या वो संविधानवाद को लेकर गंभीर है? नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि संविधानवाद की अवहेलना हो रही है, और भले उस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए उसका खुद का संविधान हो, लेकिन इतना तय हो जाएगा कि उस संविधान में संविधानवाद का शेष अवशेष नहीं है, उस संविधान में संविधानवाद की अवधारणा निहित नहीं है। अच्छा चलो, एक सिंपल सी बात, क्योंकि अभी भारतीय संविधान की बात तो खैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक जो हमने चर्चा की उसके आधार पर अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ क्या भारतीय संविधान में संविधानवाद है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी ना, जितने आयामों पर मैंने बात किया, कैसे पता करेंगे भारतीय संविधान में संविधानवाद है कि नहीं? इन्हीं बिंदुओं पर देखो, क्या भारत में लोकतंत्र है? निसंदेह लोकतंत्र है। अगर है तो चलो संविधानवाद की एक झलक तो आपको दिखी। क्या विधि का शासन है? क्या हमारे यहां कानून से भी बड़ा कोई है? नहीं। इसका मतलब कि विधि का शासन है। अब यह मत कहने लगना कि 361 के तहत कुछ अपवाद है, राष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह वगैरह, एक्सेप्शन एक्सेप्शन होता है, जनरल डिस्कशन का वो हिस्सा नहीं होता। जब बात एक्सेप्शन की आएगी तो उसको करेंगे हम लोग, बट जनरली हमारे यहां विधि से ऊपर कोई नहीं, इसलिए विधि का शासन है। क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? निसंदेह है। तमाम अदने से व्यक्ति को भी देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री या बड़े बड़े डिग्निटरीज को पब्लिकली गली आते हुए, ये क्या दर्शाता है? अब भारी भरकम मात्रा में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं,
है यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? इन्हें अगेन आपको पता चला कि हां साहब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अवशेष है यहां, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का रेफरेंस हमारे संविधान में मिलता है। और देखो ओपन सोसाइटी, जेंडर जस्टिस, तमाम तरह के ऐसे वैधानिक प्रावधान किए गए हैं, आगे भी किए जाने के लिए लोग प्रयासरत हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाना है ना। अभी आए दिन अब चर्चा में सुनते हैं कि पॉलिटिकल डोमेन में भी वीमेन को रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वे अपने एक तरह से उत्थान को और अधिक सुनिश्चित कर सके। तो कहीं ना कहीं जेंडर जस्टिस को लेकर हम तत्पर हैं। अब वो अलग बात है कि किस हद तक तत्पर हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम कितना ज्यादा कमिटमेंट है, कमिटमेंट की इंटेंसिटी कितनी है, यही इंटेंसिटी इस बात को बयां करेगी कि संविधानवाद की डिग्री कितनी है संविधान में। संविधानवाद की जितनी डिग्री होगी आप समझ लेना कि वह लोकतांत्रिक संविधान उतना ही ज्यादा सफल लोकतांत्रिक संविधान में बदल पाएगा। कई दफा आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिकली अगर देखा जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है, जो कि आबादी के अनुसार तो विश्व का भाई सबसे बड़ा लोकतंत्र हो गए, लेकिन अभी भी हम सबसे समृद्ध लोकतंत्र नहीं हो पाए हैं। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तमाम अवसरों पर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिखेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों का बखूबी लोग उसका अनुपालन करते हैं। अमेरिकी संविधान में देख लीजिए, अमेरिका के अंदर लोकतंत्र की स्थिति देख लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि भारत की तुलना में कहीं ज्यादा मैच्योर है। तो मैच्योर क्यों है? देखो संविधानवाद तो अभी अभी हमने चर्चा किया, हमारे संविधान में भी है, निसंदेह अमेरिकी संविधान में भी है, लेकिन संविधानवाद के लिए जो अवयव चाहिए, जो बिंदु है, उन बिंदुओं को लेकर हमारी कमिटमेंट की डिग्री कितनी है। जो जितना ज्यादा सतर्क होगा, जितना ज्यादा सजग होगा और सजगता के साथ सतर्क रहते हुए इन आयामों की प्राप्ति का प्रयास करेगा, आप समझ लेना संविधानवाद वहां उतना ही क्वालिटेटिव होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। और संविधानवाद जितना ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होगा आप समझ सकते हैं वहां का लोकतंत्र उतना ही सफल होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप संविधानवाद समझ चुके होंगे, संविधानवाद कहते किसे हैं। इज इट ओके? यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां आप देखेंगे ऊपर आईएसएम लिख दिया, इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिखा है ना। चलो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिजल्ट्स इन व्हाट? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान। यानी संविधान धन संविधानवाद बराबर लोकतांत्रिक संविधान। पहले हम देख ही चुके हैं कि और लोकतांत्रिक संविधान में संविधानवाद होगा ही नहीं, है ना। एनीवे अब देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या क्या होगा, मोटे तौर पे हम लोग चार पांच बातें ध्यान रखेंगे, बस इतने के आधार पे आपकी बात बन जाएगी परीक्षा भवन में। जब कभी भी संविधानवाद पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आए, आराम से डेमोक्रेसी पे लिखना शुरू कर देना, विधि के शासन का हवाला दे देना, एग्जिस्टेंस ऑफ ओपन सोसाइटी, खुले समाज की उपस्थिति की बात कर देना, जेंडर जस्टिस की बात करना, लिंग के आधार पे कोई भेद ना हो, जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जिस समाज में, तो समझना कि उस समाज के अंदर संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत की जा रही है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ ओपन सोसाइटी, नॉन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, है ना। ऐसा ना हो कि ऐसा प्रशासनिक तंत्र ना हो जो सरकार की गुलामी करने लगे, पिछलग्गु बन जाए, निरपेक्ष हो, नॉन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो। अगर ये सारे अवयव जिस संविधान में आपको दिखे, समझ जाना कि आपके हाथ में लोकतांत्रिक संविधान है। और जिस संविधान के अंदर ये लैकिंग हो, इनका अभाव हो, तो आप समझ जाना कि अलोकतांत्रिक संविधान की आप बात कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन बिंदुओं पर कौन कितना मुस्तैदी से काम कर रहा है,
कौन कितनी सतर्कता से काम कर रहा है उसी के आधार पर संविधानवाद की डिग्री में बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। तभी तो चार पांच देश आपके सामने आ जाते हैं, बोल दिया जाता है कि चारों में लोकतंत्र है, चारों लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप चारों में एक जैसा आपको दिखेगा? नहीं। किसमें सबसे अच्छा दिखेगा? जिस देश के अंदर संवैधानिक नैतिकता का ज्यादा अनुपालन होगा। समझ रहे मेरी बात? तो अगर कोई आपसे कहे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद, संविधानवाद तभी बढ़ेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बढ़ेगी, यानी संवैधानिक नैतिकता जैसे जैसे बढ़ेगी संविधानवाद वैसे वैसे बढ़ेगा, और जब संविधानवाद बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है देश की व्यवस्था भी उतनी ही खूबसूरत होगी, लोकतंत्र बढ़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात, संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक मूल्यों के अनुपालन के संदर्भ में जो आपकी सतर्कता है, जो आपकी कर्मठता है, उसी को संवैधानिक नैतिकता कहा जाता है, यानी कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सॉरी कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी संविधानवाद के सापेक्ष जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी सतर्कता है, वही संवैधानिक नैतिकता है। तो जाहिर सी बात है जिस संविधान में नैतिकता का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा उस संविधान में संविधानवाद की डिग्री उतनी ही उच्चतर होगी, उतनी ही श्रेयस्कर होगी, उतनी ही श्रेष्ठ होगी, और संविधानवाद की डिग्री अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है सफल संविधान के रूप में वो निकलेगा, संविधान सफलता को प्राप्त करेगा। चलो, तो एक बात तय हो गया कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी खूबियां होती हैं क्योंकि इनके अंदर संविधानवाद हुआ। अब जिस हद तक संविधानवाद होगा उतना ही ये ज्यादा सफल होंगे, वो अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर ये डिपेंड करेगा। एनीवे, बट इस टॉपिक को पढ़ाते समय मैं अक्सर महसूस किया हूं बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि ठीक है साहब, भारतीय संविधान डेमोक्रेटिक है, इसके अंदर संविधानवाद है, क्योंकि संविधानवाद किसी संविधान में होने के लिए जो जो तत्व चाहिए हो वो यहां पर दे रखा है, यानी हमारे संविधान में दे रखा है। चलो मान लिया चाइना में ये बात नहीं है, तो फिर चाइना हिंदुस्तान की तुलना में इतना तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है? ये मन में सवाल आता है बच्चों के। तो देखो जी, यहां संविधानवाद के होने या नहीं होने का किसी देश की तरक्की या पतन का सवाल यहां नहीं है, तरक्की या पतन का संबंध नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा दे सकती है, नहीं, राजतंत्र में भी आप विकसित हो सकते हैं। तो आप कभी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत के विकास से जोड़कर मत देखना सीधे सीधे, विकास के लिए कई नियामक एक साथ काम आते हैं, विकास के लिए कई कारक एक साथ कार्य करते हैं। अब चीन के अंदर अलोकतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन भारत से कहीं ना कहीं ज्यादा वो आर्थिक रूप से सशक्त है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन की तुलना में हमें पीछे कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं। ये अलग अलग अवधारणाएं हैं, इसे आप सीधे सीधे विकास से जोड़कर नहीं देखेंगे, और विकास में भी आर्थिक विकास से जोड़कर नहीं देखेंगे। आपको पैसे रुपए से भर दिया जाए और आप अपने मन का कुछ भी ना कर सके, आप पे तमाम तरह की बंदिशें लगा दी जाए, तो क्या आप उस व्यवस्था से खुश होंगे? नहीं हो सकते। तो यहां कभी भी संविधानवाद या लोकतांत्रिक बनाम अलोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को डेवलपमेंट से जोड़कर आप नहीं देखेंगे। डेवलपमेंट एक अलग कंसेप्ट है, एक आर्थिक अवधारणा है, उसकी बात करेंगे, या फिर आप यूं कह लीजिए कि डेवलपमेंट पूरी तरह से एक आर्थिक अवधारणा नहीं है बल्कि कई अवधारणाओं का एक सेट है। ये आमतौर पे जो आपके मन में सवाल जनित होता है वो आर्थिक बुनियाद पे होता है, इसलिए मैं इस बात को उकेर रहा हूं यहां पर। राज व्यवस्था के स्वरूप के मद्देनजर जब भी चर्चा होगी भारतीय व्यवस्था चीन से कई गुना बेहतर है, क्योंकि अलोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना लोकतांत्रिक से की ही नहीं जा सकती।
इसलिए कभी मन में यह नहीं लाएंगे कि चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था व्याप्त है, चलो हिंदुस्तान भी वही अपना ले, तेजी से तरक्की करने लगेगा। ये एक तरह से कहीं ना कहीं इरेशनल कंपैरिजन होगा, है ना, अनिरपेक्ष तुलना होगी। एनी चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधान बनाम संविधानवाद, ये दो बातें तो आप बखूबी समझ गए होंगे, है ना। चलो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप घर पे उसको लिखने का प्रयास करेंगे लेक्चर से जब फ्री होकर आप जाएंगे तो। देखो संविधानवाद की संकल्पना संवैधानिक, इसको मैं मिटा दिया हूं, संविधानवाद की सफलता संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पे आधारित है। विश्लेषण करें, आप अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स में इसे लिखने का प्रयास करेंगे, 150 शब्दों में। द सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is solely based on the foundation of constitutional morality. Explain in about 150 words. ओके अब देखो, यहां से प्रीलिम के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन रखा, सपोज एक्स वाई जेड एक लोकतांत्रिक संविधान है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन इस बात की पुष्टि करेंगे कि एक्स वाई जेड एक लोकतांत्रिक संविधान होगा। अब जरा सोचिए, अगर ये क्वेश्चन आप कॉपी कर चुके हो तो इसी फेसेट पे मैं एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। जाहिर सी बात है, फिर आप महसूस करेंगे कि कैसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्ट के आधार पे कैसे हम उनको हल करते हैं। आगे बढ़ूं? ओके, देखो जी, अभी मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रखता हूं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर
लोकतांत्रिक संविधान के संदर्भ में दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। मींस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राई टू मेक अ रेफरेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ फॉलोइंग द कोड्स गिवन बिलो। सी, आप समान रूप से स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट है, एक्स एक ऐसा संविधान है जो वाक व अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित नहीं करता। यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसमें संवैधानिक नैतिकता देखी जा सकती है। यह विधि के शासन की अवधारणा को व्यक्त करता है। चलो जी, तीन स्टेटमेंट है। अब बोल तो दिया कि नीचे निम्नलिखित कूट के आधार पर, लेकिन अब निम्न में नहीं लिख सकते, यहां पेज बदलना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं कूट, जिसको अंग्रेजी में कोड कहते हैं। मान लीजिए पहला विकल्प, चूंकि सिविल सर्विसेज में विकल्प 1, 2, 3 के रूप में नहीं आते, ए बी सी डी के रूप में आते हैं, है ना, मेरा कहने का मतलब आईएएस में। ए, ऑल आर करेक्ट, है ना, सभी सही है। दूसरा, 2 only, यानी सेकेंड स्टेटमेंट ही केवल सही है। तीसरा, 2 and 3 only, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन यहां पर यह है कि लोकतांत्रिक संविधान के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही है, है ना। पहली बात हमने लिखी कि एक्स एक ऐसा संविधान है जो वाक व अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित नहीं करता। ध्यान रखना इस बात को, नहीं करता। अब जरा सोचिए, कोई संविधान अगर वाक व अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित नहीं करता तो क्या वो लोकतांत्रिक हो सकता है? कभी नहीं। यानी चलो, लोकतांत्रिक संविधान के संदर्भ में पहला कथन तो गलत है, ये लोकतांत्रिक नहीं होगा। दूसरा, इसमें संवैधानिक नैतिकता देखी जा सकती है, निसंदेह। संवैधानिक नैतिकता का मतलब सीधे सीधे हो गया कि वहां संविधानवाद है। संविधानवाद होगा तो ही संवैधानिक नैतिकता दर्शाई जाएगी, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर ही संविधानवाद फलता फूलता है। तो चलो, लोकतांत्रिक के लिए यह तो जायज है, दूसरा विकल्प आपका सही है। चलो डी में एक ऑप्शन यहां लिख देता हूं मैं, नन, कि कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ इशारा नहीं करता, एक ये विकल्प आपका हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, यह विधि के शासन की अवधारणा को व्यक्त करता है, निसंदेह व्यक्त करता है लोकतांत्रिक संविधान। तो अब जरा सोचिए, इनमें से सही जवाब क्या होगा।
पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा वो तीसरा सही है, तो लोकतांत्रिक संविधान के लिए केवल ये सेकेंड एंड थर्ड यानी सी वुड बी योर राइट चॉइस। समझ रहे हैं, यहां पर किसी तथ्य की रट्टेबाजी नहीं करनी है। हियर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ रोट लर्निंग। ओके, सारी की सारी बातें कंसेप्ट बेस्ड है और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मूव करना है। हम लोग उसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों हमने पहला जो फेसेट है, फेसेट नंबर वन, यहां फेसेट का मतलब इशू नंबर वन, मुद्दा क्रमांक एक, यानी हमने पहला मुद्दा डिस्कस कर लिया। किसका मुद्दा? वेयर अबाउट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी संविधान व राज व्यवस्था के बारे में। यह हमारा मूल टॉपिक था और संविधान व राज व्यवस्था के बारे में के तहत हमने संविधान व संविधानवाद को समझा। क्लियर है, एक पॉइंट हम लोग का यहां तैयार होता है। अब इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस है, क्योंकि मैंने बोला था ना शुरुआत में अब से 15-20 मिनट पहले कि आगे चलकर हम लोग केवल वो केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब समझने के लिए नॉन डेमोक्रेटिक भी समझना जरूरी है, डेमोक्रेटिक व नॉन डेमोक्रेटिक में विभेद समझना जरूरी है। और यह विभेद तभी समझ में आएगा जब हमारे पास संविधानवाद की संकल्पना होगी, जब संविधानवाद की समझ होगी। क्लियर है जी,